नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नित्या स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपको बताऊंगी दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध। तो दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध हमारा है, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, टेन थीटा बराबर एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू। तो टेन को लिखते हैं हम लोग वन अपॉन कॉट थीटा। टेन को लिखते हैं, पहले लिखेंगे टेन को वन अपॉन टेन थीटा बराबर, इस टेन को पलट दिया है तो इसको लिखेंगे वन प्लस एम वन इंटू एम टू अपॉन एम वन माइनस एम टू। अब वन अपॉन टेन थीटा होता है हमारा कॉट थीटा, तो ये हो गया वन प्लस एम वन इंटू एम टू अपॉन एम वन माइनस एम टू। यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हों तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो इसमें थीटा का मान है 90 डिग्री। कोट थीटा बराबर कोट 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर रखेंगे वन प्लस एम वन इंटू एम टू अपॉन एम वन माइनस एम टू बराबर कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू कोट 90 की वैल्यू होती है 0। तो जब इसका गुणा 0 में करवाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, हमारा बचेगा वन प्लस एम वन इंटू एम टू बराबर 0, एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन। ये वन है उस तरफ पहुँचेगा तो ये माइनस वन हो जाएगा, एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन। यदि दो सरल रेखाएं परस्पर लंब हों तो उनकी प्रवणताएं अर्थात एम का गुणनफल माइनस वन होगा। मतलब एम वन पहले रेखा की प्रवणता, एम टू बराबर दूसरी रेखा की प्रवणता, इन दोनों का गुणनफल हमारा माइनस वन आना चाहिए। आइए अब हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा 4x प्लस 9y प्लस 21 बराबर 0 और 27x माइनस 12y प्लस 10 बराबर 0। पहले रेखा की प्रवणता निकालेंगे, एम वन बराबर प्रवणता का फार्मूला होता है माइनस एस का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक हमारा 4 है, वाई का गुणांक हमारा 9 है। तो हमारी पहली रेखा की प्रवणता है माइनस 4 अपॉन 9। अब दूसरी रेखा की प्रवणता निकालेंगे, 27x माइनस 12y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरी रेखा की प्रवणता है हमारी माइनस एस का गुणांक हमारा 27 है और वाई का गुणांक हमारा माइनस 12 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 27 अपॉन 12। अब पर चूँकि लंब होने के लिए हमारा प्रतिबंध हमारा था एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन, ये हमारा प्रतिबंध था। एम वन हमारा है माइनस 4 अपॉन 9, यहाँ पर रख देंगे माइनस 4 अपॉन 9 इंटू एम टू हमारा था 27 अपॉन 12, ये हमारा था। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा ये हमारा आएगा 3 से कटेगा ये हमारा, ये देखिए हमारा सब कैंसिल हो गया, ये हमारे दोनों पक्ष इक्वल आ गए, माइनस वन बराबर माइनस वन, दोनों रेखाएं की प्रवणता हमारी माइनस वन आई है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा
दो रेखाएं हमारी हैं। पहली रेखा है हमारी, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इज इक्वल टू जीरो, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम पहली रेखा की प्रवणता निकालेंगे। पहली रेखा की प्रवणता, पहली रेखा हमारी ये दी है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। पहली रेखा की प्रवणता एम वन बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक हमारा दिया है ए वन, ए वन अपॉन वाई का गुणांक हमारा दिया है बी वन, ये हमारी है पहली रेखा की प्रवणता। एम वन बराबर, अब दूसरी रेखा की प्रवणता निकालेंगे। दूसरा समीकरण हमारा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। एम टू बराबर माइनस एक्स का गुणांक हमारा है ए टू, वाई का गुणांक हमारा है बी टू। दूसरी रेखा की प्रवणता है माइनस ए टू अपॉन बी टू। अब लंब, लंब होने का प्रतिबंध हमारा है, लंब होने का प्रतिबंध है एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन। एम वन हमारा ये दिया है माइनस ए वन अपॉन बी वन इंटू एम टू हमारा दिया है ये माइनस ए टू अपॉन बी टू। माइनस ए टू अपॉन बी टू बराबर माइनस वन, ये हमारा दिया है। अब सॉल्व करेंगे ए वन ए टू अपॉन ए वन ए टू अपॉन बी वन इंटू बी टू, ये कैंसिल हो जाएगा बराबर माइनस वन, ये हमारा बचेगा। अब इसका गुणा इसमें करवा देंगे तो हमारा हमारा सॉल्व करने पर आएगा ए वन इंटू ए टू बराबर माइनस बी वन इंटू बी टू, ये हमारा आएगा ए वन इंटू ए टू, ये हमारा माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा बी वन इंटू बी टू इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा आया सॉल्व होके। यही हमको सॉल्व करना था, क्वेश्चन हमारा था ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो एक दूसरे पर लंब हो, तो हमको सिद्ध करना था ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू बराबर जीरो। तो हमारा ये आ गया ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू बराबर जीरो, ये हमारा सिद्ध हो गया। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर हमें बताइए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।